हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल। स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नए वीडियो में। आज की हम बात करेंगे कि ईयरली प्रेगनेंसी सिम्टम के बारे में। अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ईयरली प्रेगनेंसी सिम्टम के बारे में बिल्कुल भी पता होना चाहिए। जितना जल्दी आप अपना प्रेगनेंसी को सिम्टम्स को जानेंगे, उसको डिटेक्ट कर सकेंगे, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो जितना जल्दी आप उसको डिटेक्ट करेंगे, उसको महसूस करेंगे और उसको पहचान पाएंगे, उतना ही जल्दी आप फिजिकली और मेंटली अपने आप को तैयार कर सकेंगे आने वाले दिनों के लिए। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग नहीं भी कर रहे हैं और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो गई है और आपको इस बारे में बिल्कुल भी पता ही नहीं है, तो अगर इस क्षेत्र में भी आपको अगर ईयरली प्रेगनेंसी सिम्टम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना जल्दी आप अपने जो ईयरली प्रेगनेंसी सिम्टम को डिटेक्ट करेंगे, उतना ही जल्दी आप इसके बारे में कुछ भी डिसीजन पर आ सकते हैं। और जिन लोगों का और जिन महिलाओं का, आप सब में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जिनको कि इरेगुलर पीरियड्स यानी कि अनियमित मासिक धर्म आता है, इस क्षेत्र में उनका पीरियड्स डेट आता नहीं है और वो समझते हैं कि हाँ पीरियड्स आ जाएगा लेकिन वो प्रेग्नेंट हो चुके होते हैं। तो इसीलिए अगर आप अभी रिलेशन में हैं और आपका बॉडी में ये सब सारे चेंजेस हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी पता होना चाहिए इस ईयरली प्रेगनेंसी सिम्टम के बारे में। प्रेगनेंसी सिम्टम्स वैसे तो बहुत देखा जाए तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ब्रेस्ट के बारे में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ब्रेस्ट के इसे बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसमें आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं या फिर कंसीव कर चुके हैं। तो वीडियो बिल्कुल भी ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल भी अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा डिटेल्स बारीकी से समझ में आए। तो अगर आप अनुराधा केयर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अनुराधा केयर के जो भी वीडियो अपलोड होता है तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जब भी आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, कंसीव कर चुके हैं, बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी अपने आप को बिल्कुल भी चेंज कर देता है। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो है ब्रेस्ट, क्योंकि ब्रेस्ट भी और बेबी केयर में ब्रेस्ट का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। जब भी आप कंसीव करते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, उसी दिन से स्टार्टिंग वाला दिन से ही ब्रेस्ट में डेवलप होना शुरू हो जाता है और ब्रेस्ट में तैयारी कर देना शुरू कर देता है। तो कुछ साइन एंड सिम्टम मैं अभी बताऊंगी, अगर वो सब अगर आपको फील होता है और आपका पीरियड्स मिस हो जाता है तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट है। तो पहला जो लक्षण है वो है ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ जाना। टेंडरनेस यानी कि ब्रेस्ट छूने से थोड़ा दर्द होता है, उसमें सूजन आ जाता है, बहुत ही संवेदनशील हो जाता है, टच करने से थोड़ा आउट सा फील होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रेस्ट में क्योंकि आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसके चलते जो ब्रेस्ट में वो ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। दूसरा जो लक्षण होता है वो होता है फुलनेस, यानी कि आपका आपको लगेगा कि आपके ब्रेस्ट में बहुत ही एक फुलनेस आ गया है, आपको भारी भारी लगेगा आपका ब्रेस्ट। ऐसा भी क्यों होता है? इसके पीछे भी एक कोई बहुत सारे रीजन है, जैसे कि अगर बॉडी जो है वो प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कर रहा है, जो ब्रेस्ट के अंदर जो ब्रेस्ट डक्ट्स होता है, वो नलिया होता है, वो सब एक्सपैंड होता है उसमें वो, तो इसीलिए उसमें जो फुलनेस आ जाता है, तो इसमें साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। हो सकता है कि आपका जो पिछले वाला जो अंडर गारमेंट्स है वो आपको अभी थोड़ा टाइट महसूस हो, ठीक है। तीसरा जो लक्षण है वो है इचिंग। आपके प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद ब्रेस्ट में वो क्या होता है, वो टिश्यू जो होता है वो धीरे धीरे एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ उसमें इचिंग भी होता है। इचिंग होना नॉर्मल सी बात है, लेकिन यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। जब भी इचिंग होती है आप वो नाखून से वो इचिंग मत कीजिए। अगर नाखून से आप इचिंग करेंगे तो हो सकता है आपका जो ब्रेस्ट है उसमें इन्फेक्शन वगैरह वो सब हो जाए। और साथ ही साथ आप ऑब्जर्व करेंगे कि ब्रेस्ट में थोड़ा ढीलापन आ गया है और साथ ही साथ स्ट्रेच मार्क्स भी दिखने लगेगा। बिल्कुल भी घबराइए नहीं, ये सब बहुत नॉर्मल होता है। और चौथा जो लक्षण होता है वो है जो नसें है यानी कि जो रक्त नाली है वो भी उभर आता है, यानी कि जो नीला नीला जो रक्त नाली है वो भी प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ब्रेस्ट प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कर रहा है
और जो ब्लड सर्कुलेशन है अराउंड द ब्रेस्ट वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए सर्कुलेशन ज़्यादा होने से वजह से वो रक्त नाली यानी फिर जो वेन से वो ज़्यादा विजिबल दिखाई देने लगते हैं। घबराइए नहीं, ये सब बिल्कुल भी नॉर्मल है। और प्रेगनेंसी और आपका जो डिलीवरी होने के बाद धीरे धीरे ये सब भी नॉर्मल हो जाएगा और आप इसमें हैबिचुएटेड भी हो जाएंगे। जो और सब लक्षण होता है वो है आपका एरियोला पार्ट। एरियोला पार्ट मतलब जो ब्रेस्ट होता है उसका ब्लैक वाला यानी कि निप्पल वाला हिस्से में जो एरियोल है वो भी थोड़ा डार्क दिखने लगेगा, और साथ ही साथ उस वो भी छूने से बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो जाएगा, उसको टच करने से भी दर्द होगा, और साथ ही साथ उसमें डक्ट्स भी उभर आएंगे। डक्ट्स उभर आने का मतलब यही है कि वो सब ब्रेस्ट को ग्लैंड्स को या डक्ट्स को नरिश कर रही है, साथ ही साथ जो आपका जो निपल है वो भी बेबी फीडिंग के लिए तैयार हो रहा है। ये जो डक्ट्स उभर आते हैं ये बहुत ही काम का चीज़ होते हैं, वो जो निपल्स का जो आसपास का टिश्यू होते हैं उसको वो नरिश करने में हेल्प करता है। और भी बहुत सारे ये जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है वो पूरा प्रेगनेंसी में चलता है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो मुझे पूछते हैं और सवाल करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स भी जो अक्सर इनका सवाल होता है कि मैम हमारा जो ब्रेस्ट है वो प्रेगनेंसी के दौरान लीक भी कर रहा है। प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट से लीक होना एक आम बात होता है, ऐसा सभी के साथ होता नहीं है लेकिन कई कई महिलाओं में ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो ब्रेस्ट है वो बेबी फीडिंग के लिए तैयार होता है, उसमें मिल्क सिक्रेशन या फिर मिल्क फॉर्मेशन भी शुरू हो जाता है, साथ ही साथ वो डक्ट्स और ग्लैंड्स वो भी नरिश हो जाते हैं, वो भी बड़े होते हैं, तो इसके चलते आपके ब्रेस्ट में कभी कभी लीकेज भी हो सकता है। यहाँ पर और एक मैं इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि जो ब्रेस्ट में जो चेंजेस आता है वो आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और प्रेगनेंसी ये दोनों से कैसे डिफ्रेंशिएट करें। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि पीरियड से पहले भी आपका जो ब्रेस्ट होता है उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है लेकिन वो पीरियड से बिल्कुल भी अलग होते हैं। अगर टेंडरनेस या फिर दर्द या फिर सूजन कुछ दिन तक होता है, एक हफ्ता तक रहता है, तो हो सकता है कि आप पीरियड्स आने वाला है। लेकिन अगर ये सब चेंजेस जो मैं बताया साइंस एंड सिम्टम आपके ब्रेस्ट में हो रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं और आपका पीरियड्स भी मिस हो गया है तो बिल्कुल भी ऐसा हो सकता है कि आपका प्रेगनेंट है और आप कंसीव कर चुके हैं। और एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि आपको बिल्कुल भी ध्यान देना चाहिए और बिल्कुल भी केयरफुल रहना चाहिए कि जो ब्रेस्ट में जो चेंजेस होता है आप पूरा प्रेगनेंसी के दौरान उसको ऑब्जर्व कीजिए। ऐसा भी बहुत सारे केसेस देखा गए हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कैंसर सेल्स भी डेवलप होते हैं। हम समझते हैं कि प्रेगनेंसी के चलते शायद ऐसा हो रहा है कि डक्ट्स और ग्लैंड्स और बढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये जो डक्ट्स एंड ग्लैंड्स बढ़ते हैं हॉर्मोन के चेंजेस के वजह से वो कैंसर के में भी डेवलप हो सकता है। ये बहुत रेयर होता है, 1 या 2 हज़ार पेशेंट्स में एक पेशेंट में ये होता है जिसको कि हम प्रेगनेंसी रिलेटेड कैंसर बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी के चलते या फिर नॉर्मल डेज में भी आप अपने ब्रेस्ट को बिल्कुल भी चेक कीजिए। अगर कोई भी गांठ दिखाई दे या फिर कोई भी अनकॉमन चीज़ आपको महसूस हो तो आपके अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए। और साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान आप थोड़ा ढीले वाला और सही कप वाला अंडरवेयर और अंडरगारमेंट्स यूज़ कीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ब्रेस्ट में जो डेवलपमेंट होता है उसको सपोर्ट करने के लिए और आपको कंफर्टेबल बनाने के लिए ये जो सही साइज़ का और सही कप साइज़ का ब्रा यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इस वीडियो में हमने जाना कि जो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स है उसमें ब्रेस्ट में क्या क्या बदलाव होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों को भी शेयर कीजिएगा और अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।